वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टडी करेंगे जो यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे महाराष्ट्र सेट में अपेयर हो रहे हैं या गुजरात सेट में, तमिलनाडु सेट या कर्नाटक सेट, आप कोई भी सेट एग्ज़ाम में अगर अपेयर हो रहे हैं या आप यूजीसी नेट में अगर अपेयर हो रहे हैं, तो इन एग्ज़ाम्स में हर पेपर में इस टॉपिक का एक एक दो या तीन क्वेश्चन फिक्स होते हैं। इस टॉपिक पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं और हर बार आते ही हैं, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लेना है। आज का टॉपिक है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट कैसे बनता है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट कैसे बनता है ये स्टडी करने की लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरत है, तो आइए देखते हैं। व्हाट इज़ द नीड इन द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज व्हेन आइडियाज़ गेट ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटाइज इन द फॉर्म ऑफ बॉडी ऑफ आइडिया अ सब्जेक्ट इज़ फॉर्म। एक सब्जेक्ट कब बनता है? जब यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में कुछ आइडियाज़ एक फॉर्म बना लेती है या एक बॉडी बना लेती है, तब एक सब्जेक्ट फॉर्म होता है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर नॉलेज है, जैसे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो सारे केमिकल्स की जो कॉन्सेप्ट्स है वो साथ में आ जाती है तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट बन जाता है। सारी टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल चीज़ें एक साथ आ जाती है तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। तो इस टाइप से एक सब्जेक्ट बनता है। तो हमें क्या ज़रूरत है, लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरत है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट स्टडी करने की, तो आइए देखते हैं। जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन क्लासिफिकेशन स्कीम पे काम कर रहे थे, तब उनके ध्यान में आया कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनको कहाँ कैटेगराइज करें ये डिफाइन नहीं है। जैसे सबसे पहले कुछ सालों पहले कॉमन सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इनको आसानी से सेपरेट करना ईजी था। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च हुआ, वैसे वैसे नए टॉपिक्स आने लगे, नए रिसर्च होने लगे, नए सब्जेक्ट्स आने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो फिज़िक्स, जेनेटिक्स, ये सारे लेटेस्ट टॉपिक्स है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को कहाँ कैटेगराइज करें, क्लासिफिकेशन स्कीम में इनको कहाँ एडजस्ट करें, ये सवाल था डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के सामने। इसलिए उन्होंने मोड ऑफ नीड फॉर द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन ये टॉपिक सजेस्ट किया। तो 1950 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने चार मोड्स ऑफ फॉर्मेशन सजेस्ट किए। उनका कहना था कि एक सब्जेक्ट चार टाइप से बन सकता है। वो चार टॉपिक्स है लैमिनेशन, लूज असेंबलेज, डिसेक्शन और डीनिडेशन। उसके बाद जो डिटेल स्टडी हुआ उसके अकॉर्डिंग एम पी गोपीनाथ और एस सीतारामा, इन्होंने कुछ और मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट सजेस्ट किए। सात मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स उन्होंने सजेस्ट किए। दोज़ आर लैमिनेशन, लूज असेंबलेज, फ्यूजन, फिशन, डिस्टिलेशन, क्लस्टरिंग एंड एग्लोमोरेशन। अभी आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कितने मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन सजेस्ट किए और वो कौन कौन से हैं, और एम पी गोपीनाथ और एस सीताराम, इन्होंने कौन से मोड सजेस्ट किए। तो इन्होंने सात मोड सजेस्ट किए और डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने चार मोड सजेस्ट किए। उनके नाम आपको याद रखने हैं, इस पे एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर कुछ सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज भी अभी बन चुका है, फेसबुक पेज का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर उस पेज को विज़िट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज को लाइक करने से क्या होगा कि आप जब भी यूट्यूब पे आओगे तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट फेसबुक पेज पे वीडियो की लिंक होगी, जो भी नए अपडेशन्स आएंगे, जो भी नए वीडियोज़ आएंगे उनका लिंक डायरेक्टली आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएगा और आपको सारे वीडियोस वहाँ मिल जाएंगे। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कितने वीडियोस है, यूजीसी नेट के वीडियोस कहाँ है, केवीएस के वीडियोस कहाँ है, ऐसा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको सारे वीडियोस का लिंक फेसबुक पेज पे डायरेक्ट मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ चैनल पे भी सर्च करना है प्रीवियस वीडियोस को, तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब बटन के पहले लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस ऐसा नाम लिखा हुआ है चैनल का, उस चैनल के नाम पर आपको क्लिक करना है, तो हमारे सारे प्रीवियस वीडियोज़ जो है नीचे लिस्ट में डिस्प्ले हो जाएंगे। उसमें इंटरव्यू के वीडियोस है, यूजीसी नेट के रिगार्डिंग वीडियोस है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स है,
और बहुत कुछ है, आप ये लिस्ट एक बार देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। जो फर्स्ट टॉपिक है लैमिनेशन, लैमिनेशन के दो टाइप्स है। अब ये दो टाइप कौन से हैं? लैमिनेशन काइंड वन एंड लैमिनेशन ऑफ काइंड टू। तो लैमिनेशन काइंड वन में क्या होता है, वन और मोर आइसोलेट फैसेट्स आर लैमिनेटेड ओवर द बेसिक फैसेट। इसका एग्जाम्पल है एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेसिक एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी ये मेडिसिन के अंडर कवर होता है। तो बेसिक फैसेट हो गया मेडिसिन और आइसोलेट फैसेट हो गया एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। लैमिनेशन काइंड टू में क्या होता है, टू और मोर सब फैसेट्स आर लैमिनेटेड ओवर वन अनादर। तो इसका एग्जाम्पल है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इसमें मेन सब्जेक्ट अगेन मेडिसिन, क्योंकि ये मेडिसिन से रिलेटेड है। और मेडिसिन का सब फैसेट क्या है, होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, ये सारे हो गए मेडिसिन के सब फैसेट्स। तो यहाँ पे हमारा सब फैसेट कौन सा है, होम्योपैथी। तो सिस्टम कंपोनेंट यानी सब फैसेट हमारा कौन सा हो गया, होम्योपैथी। अब इन दो टाइप्स में फ़र्क क्या है, आपको पहला सेंटेंस फिर से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लैमिनेशन काइंड वन में पहला सेंटेंस क्या है, वन और मोर आइसोलेट फैसेट, और इधर क्या है, टू और मोर सब फैसेट। तो आइसोलेट फैसेट का मतलब क्या है कि मेडिसिन अगर ये सब्जेक्ट है, मेडिसिन के अंदर बहुत कुछ कवर होता है, जैसे फिजियोलॉजी कवर होता है, सेल्स के बारे में स्टडी, जीन्स के बारे में स्टडी, ब्लड के बारे में स्टडी, तो ये सारे आइसोलेट फैसेट्स हैं। मतलब मेडिसिन के अंदर तो आते हैं लेकिन डायरेक्टली मेडिसिन से इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी ये हो गया आइसोलेट फैसेट, जबकि होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी ये सारे क्या हो गए, मेडिसिन के डायरेक्ट सब फैसेट। तो ये फ़र्क है इन दोनों में, इन दो लैमिनेशन के काइंड्स में, आइसोलेट फैसेट और सब फैसेट। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है वो सब फैसेट है कि आइसोलेट फैसेट है। हालांकि आपको क्वेश्चन तो डायरेक्टली यही आएगा कि ये लैमिनेशन है या लूज असेंबलेज है, आपको एक ऐसा तो क्वेश्चन आने के चांसेस कम है कि लैमिनेशन काइंड वन है या लैमिनेशन काइंड टू है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एक दो बार आ चुके हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से डिफरेंस समझ के याद कर लीजिए, और पॉसिबिलिटी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो यही है कि आपको डायरेक्टली टाइप पूछा जाएगा, लैमिनेशन है या डिस्टिलेशन है, ऐसे डायरेक्टली पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट टाइप इज लूज असेंबलेज। लूज असेंबलेज का मतलब क्या है, असेंबलिंग का मतलब क्या है कि दो पार्ट्स को एक साथ असेंबल करके रखना, उनको जोड़ के रखना। तो असेंबलिंग टुगेदर टू और मोर कंपोनेंट्स, दे मे बी बेसिक और कंपाउंड सब्जेक्ट्स। एक तो बेसिक सब्जेक्ट हो सकता है या कंपाउंड सब्जेक्ट हो सकता है। कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट खुद दो तीन टॉपिक के कोलैबोरेशन से बनता हो, उसका नाम होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। लूज असेंबलेज कैन बी फॉर्म बाय गैदरिंग टू और मोर कंपोनेंट्स और टू और मोर आइसोलेट आइडियाज और टू और मोर कंपाउंड सब्जेक्ट्स और टू और मोर बेसिक सब्जेक्ट्स। लूज असेंबलेज के भी थ्री टाइप्स है। ये थ्री टाइप्स की भी समझने में बहुत ईजी है, और कभी कभी ऐसा होता है कि लूज असेंबलेज काइंड वन है या काइंड टू है या काइंड थ्री है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो यही है कि आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि लूज असेंबलेज है कि डिस्टिलेशन है कि क्लस्टरिंग है। तो आइए समझते हैं टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज इंटर सब्जेक्ट फेस रिलेशन। अब नाम से ही पता चल जाता है इंटर सब्जेक्ट। इंटर सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि दो अगर सब्जेक्ट है तो उनके बीच का रिलेशन। हम जैसे कहते हैं कि इंटरनेशनल, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है। इंटरनेशनल का मतलब क्या है कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के साथ मैच है। तो इंटर, इंटर यानी दो अलग। तो सब्जेक्ट्स आर स्टडीड इन देयर म्यूचुअल रिलेशन। तो दो अलग सब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। रिलेशन ऑफ मैथ्स विद बायोलॉजी, रिलेशन ऑफ मैथ्स कंपेयर्ड विद बायोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड बायोलॉजी, या इन्फ्लुएंस ऑफ मैथ्स ऑन बायोलॉजी। ऐसे कई टाइप के रिलेशंस का स्टडी अगर होगा एक सब्जेक्ट में तो उसे हम बोलते हैं कि इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। तो ऐसा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लूज असेंबलेज वाला सब्जेक्ट हो जाएगा, लूज असेंबलेज काइंड वन। नाउ सेकेंड सब टाइप इज इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन। इंट्रा फैसेट मतलब क्या, एक ही फैसेट के अंदर के दो पार्ट्स। तो इसका एग्जाम्पल है
हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। अब हिंदुइज्म एंड जैनिज्म इनका कॉमन फैसेट है रिलीजन। रिलीजन ये मेन फैसेट है, हिंदुइज्म और जैनिज्म ये उसके सब फैसेट है। तो ये हो गया इंट्रा फैसेट रिलेशन। तो अगेन एग्जांपल इज हिंदुइज्म एंड जैनिज्म, डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, कंपैरिजन बिटवीन हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। इस टाइप का कोई भी अगर कंपैरिजन है या डिफरेंस है, ये अगर किसी टॉपिक के अंदर किसी सब्जेक्ट के अंदर अगर स्टडी किया हुआ है तो वो सब्जेक्ट है इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन टाइप ऑफ सब्जेक्ट। थर्ड टाइप इज इंट्रा एरे फेज रिलेशन। इंट्रा एरे फेज रिलेशन ये थर्ड टाइप है। इसमें क्या होता है, टू और मोर फैक्टर्स टेकन फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट ऑफ हायर ऑर्डर। सेम सब्जेक्ट के फैसेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी सी कंपेयर टू डी डी सी। सी सी और डी डी सी ये दोनों क्लासिफिकेशन स्कीम के पार्ट्स हैं और सेम सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, सेम फैसेट से बिलोंग करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप फ्यूजन, मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन वेयर टू और मोर सब्जेक्ट लूजेस आइडेंटिटी। फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है कि दो पार्ट्स कंबाइन हो जाना, उसे बोलते हैं फ्यूजन। जैसे म्यूज़िक का फ्यूजन होता है वेस्टर्न और क्लासिकल का, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फ्यूजन म्यूज़िक। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि दो अलग चीज़ें कंबाइन हो जाना। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि दो अलग सब्जेक्ट जो है वो एक बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये दो अलग सब्जेक्ट है, जब दोनों का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ते हैं तो बन जाता है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है कि ब्रेक होना। एक सब्जेक्ट है वो अगर बहुत सारे सब सब्जेक्ट में पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है तो उसे बोलते हैं फिजन। बेसिक सेगमेंट स्प्लिट इंटू फ्रैगमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी सब्जेक्ट ब्रेक्स इंटू पार्ट्स लाइक ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस। तो यहाँ पे क्या है, सोशल साइंस के अंडर क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, हमारा लाइब्रेरी साइंस भी सोशल साइंस में आता है। और ऐसे अगर सब टाइप्स अगर है किसी सब्जेक्ट के तो वो एग्जांपल वो आ जाता है फिशन के अंडर। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन गिव्स राइज टू प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि एक कोई सब्जेक्ट है तो उसके अंदर से कोई नया सब्जेक्ट बन के बाहर आना, दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। फॉर एग्जांपल कोई अगर बायोलॉजी का स्टडी कर रहा है तो बायोलॉजी का स्टडी करते करते उसे ध्यान में आया कि एक टॉपिक उसको मिल गया, सपोज़ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में बहुत सारा डिटेल स्टडी अभी करना है, तो डिटेल स्टडी करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास एक परफेक्ट रिसर्च प्लान हो। हमें क्या रिसर्च करना है, हमें किस लिए रिसर्च करना है, पर्पस क्या है रिसर्च का। अगर ये रिसर्च करना है तो हमें कौन सी मेथड्स यूज़ करनी है, क्या क्या प्रोसीजर्स करने हैं। अगर हमको एक जीन्स मिल जाता है तो उस जीन्स में क्या क्या फैक्टर्स प्रेजेंट है, इसलिए ये हमें स्टडी करना है। और क्या क्या मेथड्स हो सकती है जिससे हम जीन्स को स्प्लिट करके देखें, या कोई उसका स्टडी करने के लिए क्या क्या मेथड्स है, ये सारी चीज़ें हमको सोचनी पड़ेगी। तो ये एक अलग से सब्जेक्ट बन गया। अलग सब्जेक्ट कौन सा बना, रिसर्च मेथडोलॉजी, क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा कि हमें एग्जैक्टली रिसर्च क्या करना है। पहले तो हमें एक रिसर्च का प्लान बनाना पड़ेगा, उसका आउटपुट क्या होगा, उसका अप्लीकेशन कहाँ पे होगा, ये पूरा हमें प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये जो रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट है ये एक अलग सब्जेक्ट बन गया, वो इमर्ज हुआ एक बेसिक सब्जेक्ट से, राइट। बेसिक सब्जेक्ट था हमारा बायोलॉजी, उसके आगे हमने सोचा कि रिसर्च करना है, तो रिसर्च का पूरा प्लान बनाने के लिए हमें रिसर्च मेथडोलॉजी स्टडी करनी पड़ेगी। तो ऐसा बनता है डिस्टिलेशन फॉर्म का सब्जेक्ट। तो डिस्टिलेशन वाले सब्जेक्ट के एग्जांपल कौन कौन से हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी, फॉरेस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, माइक्रोबायोलॉजी, स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कि पहले ज़माने में जो बिज़नेस है वो बिज़नेस लाइक इतने इंटरनेशनल बिज़नेस है वो इतने ज़्यादा स्केल पे नहीं होते थे। पहले क्या होता था कि आसपास के देश ही एक दूसरे के साथ बिज़नेस कर लेते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल बिज़नेस के लिए
बहुत मतलब उसका स्कोप बहुत बढ़ गया है। इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल बिजनेस के सिवा कोई भी बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश होना डिफ़िकल्ट है। तो क्या हुआ, बिजनेस और मैनेजमेंट ये सब ये जो बेसिक सब्जेक्ट था उसमें से एक नया सब्जेक्ट बन गया, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। सो दिस इज़ द मेथड एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ डिस्टिलेशन। नेक्स्ट इज एग्लोमोरेशन। एग्लोमोरेशन का मतलब क्या होता है, कुछ लार्ज मासेस या कुछ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है वो जब एक साथ हम स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं एग्लोमोरेशन। कलेक्टिंग द एंटिटीज टुगेदर इंटू लार्ज मासेस विदाउट कोहेजन, मतलब विदाउट बाइंडिंग। सब्जेक्ट अलग अलग स्टडी तो करने हैं लेकिन एक हेड के अंदर स्टडी करने हैं। सो दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट इज एग्लोमोरेशन। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस में क्या क्या आ गया, नेचुरल साइंस में फॉरेस्ट्री आ गया, एनिमल का स्टडी आ गया, जूलॉजी आ गया, बॉटनी आ गया, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट अलग है। लाइक जूलॉजी ये सब्जेक्ट अलग है, बॉटनी ये सब्जेक्ट अलग है और फॉरेस्ट्री ये सब्जेक्ट अलग है, लेकिन ये है सारे नेचर के अंडर, नेचुरल साइंस के अंडर। सो ऐसे सब्जेक्ट्स को कहा जाता है एग्लोमोरेशन। लास्ट एग्जाम्पल इज क्लस्टर। द एंटिटी आर गैदर्ड इन टू द फील्ड ऑफ स्टडी। इट इन्वॉल्व इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी रिजल्ट। तो क्लस्टर में क्या होता है, द एंटिटी आर गैदर्ड टुगेदर इन द फील्ड ऑफ स्टडी। जो फील्ड ऑफ स्टडी है वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो एंटिटीज़ है उनको कलेक्ट किया जाता है और उनके ऊपर स्टडी किया जाता है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लस्टर सब्जेक्ट। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब जब आप करते हो तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाती रहूं। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।